नमस्ते सबको. आज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. यू नो देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि इमोशनली एंड मेंटली बहुत प्रॉब्लम में था बिकॉज ही हैड अ रीसेंट ब्रेकअप. नॉट एग्जैक्टली अ ब्रेकअप, मतलब ही वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट दैट गर्ल जो कि उसको इतना भाव नहीं देती थी, या फिर आप बोलें कि उतना अटेंशन नहीं देती थी. एंड उसने इतना ज़्यादा दिल पे लगा लिया था. एंड ही यूज़ टू कॉल मी एंड हिज ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स डे एंड नाइट टू सीक द सपोर्ट. और सपोर्ट क्या होता है दोस्ती में? सपोर्ट यही होता है कि आपको मेंटली इमोशनली एक सपोर्ट की ज़रूरत है ना. तो यू नो आई ऑल्सो यूज़ टू टॉक टू हिम एंड आई यूज़ टू सपोर्ट हिम इमोशनली. बींग अ लाइफ कोच दिस इज़ माई ड्यूटी, एंड ऑफकोर्स लाइफ कोच से पहले आई एम हिज फ्रेंड. तो मैंने उसको यू नो वेन एवर ही यूज़ टू कॉल मी, आई यूज़ टू टेक हिज कॉल, आई यूज़ टू टॉक विद हिम फॉर आवर्स टू जस्ट सपोर्ट हिम. तो आई थिंक वो उसका पीरियड रहा है 4-5 महीने का, जिसमें दिन रात, मतलब यू नो आई हैव कॉम्प्रोमाइज विद माई वर्क ऑल्सो एंड आई सपोर्टेड बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ. अब क्या हुआ, नाउ ही इज़ फाइन, यू नो वो उस प्रॉब्लम से निकल गया. नाउ ही इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग यू नो बाई टेकिंग हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड गाइड्स. नाउ आई वॉन्टेड अ हेल्प इन सम ऑफ द मैटर एंड आई न्यू कि एक लड़का ही हेल्प कर सकता है उस मैटर में. तो द फर्स्ट नेम आई हैड इन माई माइंड वॉज हिज. और जब मैंने उससे हेल्प मांगी, वॉट वॉज हिज रिस्पॉन्स? नो. फिर धीरे कुछ कुछ पूछ के, बात इधर उधर करके, देन ही सेड लिटरली मूव पे कि अच्छा यू नो जस्ट लीव दिस टॉपिक, कुछ और बात कर. यू सी हम लोग तो ये बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, है ना. चलो लेकिन यू नो इससे द लेसन यू हैव लर्नड इज हमने अपना अच्छा काम किया, हमने उसको सपोर्ट किया, ठीक है. अभी उसने वो उसको गिव बैक नहीं किया. एंड ही व्हाट ही सेड मी इन रिटर्न कि यू नो यू वांटेड एयरपॉड्स, तो मैं ना तुझे एयरपॉड्स खरीद के दे दूंगा, मुझे मॉनेटरी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है ना, मैं हेल्प की बात कर रही हूँ. लेकिन आपने हेल्प नहीं करी और आप किस चीज़ से तुलना कर रहे हैं उस हेल्प की? तो यही दुनिया है, यही लाइफ है. इट्स जस्ट दैट, ठीक है, यू हैव टू बी हेल्पफुल, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड. आपको इतनी समझ दी है, इतनी बूझ दी है, इतनी काम करने की, जानने पहचानने की शक्ति दी है. आप उसी को इस्तेमाल करिए और लाइफ में आगे बढ़िए. बस किसी से भी बुद्धू ना बनिए. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से. थैंक यू.